हेलो, वेलकम टू लर्न विद एक्सपेरिमेंट। मैं हूँ सौरभ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल को अगर खुला छोड़ देते तो वो पूरा पेट्रोल उड़ जाती है, तो आज के इस एक्सपेरिमेंट देखेंगे अगर पेट्रोल का टंकी अगर हम खुला छोड़ दें कितना देर में इसका पूरा तेल उड़ जाएगा, इसके अंदर जो भी पेट्रोल होता है कितना देर में पूरा टंकी खाली हो जाएगा। तो यही देखने के लिए आप हमारे वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइक को धूप में लगा लेते हैं ताकि क्या वो इसका रिएक्शन काफ़ी स्पीड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाइक को धूप में कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसका पेट्रोल का टंकी ओपन कर देते हैं और देखते हैं कितना देर में ये पूरा टंकी खाली हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी ऊपर तक पूरा पेट्रोल भरा हुआ है, पर इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब इसका पेट्रोल खाली होने लगेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कितना देर में कितना तक खाली हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक शीशे के जार में हम पेट्रोल को भर लेते हैं, फिर देखते हैं कितना देर में उस पूरे जार का पेट्रोल खाली होता है ताकि हमको अच्छे से दिख पाए कितना स्पीड से कितना देर में पेट्रोल ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि इस जार में पूरा पेट्रोल को भर देते हैं और देखते हैं इसके साथ कितना देर में क्या होता है। और ये जो मेरा पेट्रोल है लगभग मैं आधा लीटर से ज़्यादा, तो देखते हैं आधा लीटर पेट्रोल उड़ने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब क्या करते हैं, कैमरा को स्टैंड पे लगा देते हैं, वेट करते हैं जब तक मैं पूरा पेट्रोल ना इसका ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ जो रिएक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्पीड से तेल उड़ रही है और ऊपर में दिख भी रही है, पता नहीं कैमरा में सही से रिकॉर्ड आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम वेट करते हैं जब तक मैं पूरा पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए। दोस्तों, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट में देखिए थोड़ा सा पेट्रोल खर्च हुआ है। पहले पेट्रोल जब फिल किए थे तो यहाँ तक पेट्रोल था, लेकिन अभी देखिए 10 मिनट के बाद इतना ही पेट्रोल खाली हुआ है। तो देखते हैं पूरा पेट्रोल खर्चा होने में कितना टाइम लगता है। और देखिए, जो पेट्रोल का टेम्परेचर ये ज़्यादा नहीं है, पेट्रोल एकदम ठंडा लग रहा है और साइड में इसका सीट है ये बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो पेट्रोल है लगभग मैं 20 मिनट हो चुका और पेट्रोल का टेम्परेचर अभी भी नॉर्मल है और देखिए ये सीट जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है। लेकिन देखिए 20 मिनट में इतना सा पेट्रोल से मात्र इतना ही खाली हुआ, ज़्यादा स्पीड से ये बास बन के ऊपर नहीं उड़ रहा है, पेट्रोल जो है गैस बन के ऊपर नहीं उड़ रहा है ज़्यादा स्पीड से। तो दोस्तों, जिस रेट से पेट्रोल इसमें ख़त्म हो रही है, हवा में बन के उड़ रही है ये पेट्रोल, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आधा लीटर पेट्रोल का खाली होने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर इस टंकी का अंदाज़ा लगाया जाए कितना देर में यह खाली होगा, इसमें देखिए टंकी जो होता है डबल लेयर में होता है, जिस वजह से क्या होता है कि पूरा टंकी भी गर्म नहीं होगा जब इसको हम खोल के रखेंगे। तो यहाँ देखिए डबल लेयर का रहता है और इसका देखिए सरफेस एरिया कितना ही छोटा है इसके कंपेरिजन में। तो हमारे अंदर जो एक मिथ होता है, अगर बाइक को धूप में खड़ा कर देंगे तो क्या होगा कि सुबह से शाम तक में इससे 2-3 लीटर पेट्रोल उड़ जाएगी, पर ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आधा लीटर ही पेट्रोल रखे थे धूप में लगभग 20 मिनट तक, तो उसमें बहुत कम पोर्शन उसका खाली हुआ था, लगभग 50 से 100 ग्राम तक खाली हुआ होगा। तो उस हिसाब से ये पता चलता है कि इसका जो ये टाइट कनेक्शन था, ये ट्यूब से जो पूरा सिक्योर किया रहता है, तो इसका जो पेट्रोल बहुत होगा तो 50 ग्राम तक मैक्सिमम उड़ सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही। इसी टाइप का एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम इसी प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा, इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।